दादी उसने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे बाज कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और दादी ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ करूँ वो मेरी मर्जी है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेना देना है और इसमें सुहानी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेना देना है भाभी। बल्कि हम अपनी जिंदगी में जो है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बच्चा युवराज का अंश है और अगर आप लोगों को उस बच्चे के आने से शर्मिंदगी हो रही तो उससे हमें कोई फर्क नहीं होता। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी में दखल ना दें तो प्लीज आप लोग हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। मैं दखल दूंगी सुनो, क्योंकि हमारा फैसला हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, समझी? तो आप उसकी सजा आप हमें दीजिए, हमारी बेइज्जती करिए। कृष्ण को छोड़ दीजिए, उसे परेशान मत करिए। आपके सामने हाथ छोड़कर विनती करती है, कृष्ण को छोड़ दीजिए, बच्ची है ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है दादी, उसे ये पता है कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, वो मरने की बात कर रही थी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो पता नहीं क्यों नहीं समझ रही, ये बच्चा युवराज का अंश है और उन्हें बेटे का कोई मोल नहीं। एक बेटा था हमारा जिसे हमने अपनी गलती से खो दिया, पर अभी भी हमारी दो बेटियां हैं, हमें बेटे का कोई लालच नहीं। कृष्णा माँ बन जाए। और वो माँ कैसे बन सकती? दादी ये बच्चा उसे दे देगा क्या कि वो माँ बन जाए? आपका युवराज इस दुनिया में आ जाए। जानते हैं दादी कि आपने कृष्णा को कभी इस घर का हिस्सा नहीं समझा, वो युवराज की बेटी।